क्या कराई है, ये पूजा विधि क्या क्या कराई गई है इसमें? पंचामृत जैसे सबसे पहले हल्दी डाल करके जल से उसको अभ्यंग स्नान बोलते हैं, मांगलिक स्नान बोलते हैं। उसके बाद दूध से, फिर दही से, फिर घृत से, फिर मधु से, फिर शर्करा मिश्रित जल से चीनी डाल करके पूरा उसको पंचामृत से स्नान कराया। फिर उसके बाद गंधव उदक से स्नान कराया। फिर गंगा का नामावली लेकर के अर्चन किया। फिर उसको धूप दीप और आरती दिखाया, गंगा को नमस्कार करके पूजा समाप्त किया। पंडित जी, जो ये गंगा मैया की जो ये पूजा होती है, इसका क्या महत्व है? अगर कोई शुभ काम करने जा रहा है, आज नॉमिनेशन करने जा रहा है, आज जैसे गंगा सप्तमी है, आज के दिन जो है गंगा जी शिव जी के जटाओं में उपस्थित हुई है, इसलिए उनका एक तरीके से अवतरण ही है। इसलिए आज का जो पूजन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और नॉमिनेशन वाले दिन सर आए हैं तो फिर उनका नॉमिनेशन होने से विजय प्राप्ति का अभी सभी ब्राह्मणों ने उनको महाविजय प्राप्त रस्तों ऐसा आशीर्वाद दिया है। सर्व सब्जी का विजय प्राप्त हो ऐसा आशीर्वाद दिया है। अच्छा, प्रधानमंत्री जी तीसरी बार बनारस से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और ये बनारस के घाट में बहुत तब्दीलियां हमने भी देखी है। आप चूंकि जिस पक्ष से आते हैं, पंडित पक्ष, उसका यहाँ पर बनारस को लेकर के एक अलग लगाव है और एक अलग व्यू है, एक मत है, आपका क्या कहना? तीसरी बार जो वो चुनाव यहाँ से लड़ने जा रहे हैं, 10 साल में क्या बदलाव देखे आपने? हम लोग जब बचपन में देखते थे, जैसे 15 साल पहले देखते, तो गंगा जी का स्थिति अच्छा नहीं था, बहुत ही कंडीशन अच्छा नहीं था, सब माला फूल वस्त्र फेंकते थे। लेकिन जब से मोदी सर आए उससे एकदम अच्छा सफाई होने